एक और यूथ हमारे साथ मौजूद है, आइए उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे उनके विचार क्या कहना चाहते हैं वो। हेलो नमस्कार जी, आपका नाम? मेरा नाम अनीता है। अनीता जी, क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? मैंने बीए बीएड कर रखी है। आप इतनी पढ़ी लिखी है फिर भी आज मतलब डेरा सच्चा सौदा से जुड़ी हुई हैं, क्या कारण है इसका? यानी डेरा सच्चा सौदा कोई झूठा नहीं है, संगत वैसे ही जो आवारा गर्दी फैली हुई है वो डेरे की वजह से नहीं है। डेरा तो बहुत सच्चा है और वो सच्चा ही रहेगा, क्योंकि मानवता भलाई के कार्य कितने किए जा रहे हैं, 134 मानवता भलाई के कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन जो पिछड़े वर्ग हैं जिनको समझ नहीं है वो लोग इन कामों को आगे बढ़ा ही दे रहे हैं, लेकिन अच्छे लोग इनको आगे बढ़ा नहीं रहे हैं। इतना बुलंद विश्वास है, क्या कारण है इसके पीछे? हम 20 साल से डेरे सच्चे सौदे से जुड़े हुए हैं, यानी 6th क्लास से ही मैं नाम शब्द लिया हुआ है मैंने। जो पिछले परिवार है वो भी डेरे सच्चा सौदा से जुड़ा हुआ है और आगे का परिवार है वो भी डेरे सच्चा सौदा से जुड़ा है, लेकिन इतना दृढ़ विश्वास है, इतनी भावना है, इसलिए हम आते हैं, क्योंकि यहाँ पे सच है, सच है, सच है और सच ही रहेगा। बात करें बाबा राम रहीम जी की, अगर क्या कुछ किया उन्होंने समाज के लिए? उन्होंने बहुत ऐसे मानवता भलाई के कार्य किए हैं, वेश्याओं की शादी करवाई है, नशा को छुड़ाया है, बहुत ऐसे जैसे आवारा कन्याएं फिर रही हैं बेचारी बेसहारा, उनको सहारा दिया है। अभी 2.5 साल से ऊपर का समय होने वाला है, फिलहाल बाबा जी नहीं है समाज में, तो क्या कुछ जनता को नुकसान हो रहा है इस चीज़ का? नहीं, इसमें कोई दोराई वाली बात नहीं है, डेरा सच्चा सौदा जैसे पहले था वैसे ही चल रहा है। लेकिन गुरुजी फिलहाल तो नहीं है ना समाज में, उनके सत्संग नहीं हो रही उनके द्वारा, इस चीज़ का कोई नुकसान आप देख रही हैं? ये कोई नुकसान नहीं है, जैसे संगत आती है पहले आती थी और अब आती है, संगत 2 गुना और बढ़ गई है, ये नहीं है कि संगत पीछे जा रही है, जिन्होंने नाम ले रखे संगत वो भी आती है, जो नारा लगाते हैं वो भी संगत आती है, वहाँ जाके अपने करिश्मों को बताते हैं। नहीं तो अगर बाबा राम रहीम जी खुद सवे यहाँ पे हो, अगर वो अपने स्टेज से सत्संग करे तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा लोगों पर, ज़्यादा नहीं आएंगे लोग? ये तो डेफिनेटली है ही, क्योंकि संगत अब 2 गुना है तो 10 गुना बढ़ जाएगी, अवश्य ही बढ़ेगी। महिलाओं के लिए स्पेशल क्या कुछ किया उन्होंने? महिलाओं के लिए वेश्यावृत्ति छुड़ाई है, और जैसे स्कूल कॉलेज लड़कियों के लिए इसने फैसिलिटी दी गई है वहाँ पे, और स्कूलों में इतनी फैसिलिटी नहीं दी जाती। आज कितना विश्वास है गुरुजी के ऊपर? पूरा 200%। जी आगे भी बना रहेगा? यस।